अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो कि अपनी कंट्री में हैं और उनके पास जो है यूएई का रेजिडेंशियल वीज़ा था, तो वो वेकेशन पर गए हैं। तो जारी से बात है, जब आप दोस्तों को पता होगा कि फ़्लाइट्स काफ़ी देर से बैन हैं और जब फ़्लाइट्स बैन हो जाती हैं तो आप यूएई में एंटर नहीं हो सकते। तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा या होने वाला होगा, तो उन दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली लेकर आया हूँ। जो नई अनाउंसमेंट हुई है तो वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इससे पहले यही था कि दोस्त सारे परेशान थे क्योंकि किसी किस्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को अच्छी न्यूज़ दूंगा कि अभी जो नई अपडेट आई है वो क्या है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो यही है, खलीज टाइम में भी ये आ चुका है कि जो पाकिस्तानी अपनी कंट्री में है और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कंपनी है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर देंगे। यानी जब भी फ़्लाइट्स ओपन होगी तो आप जो है यूएई में एंटर हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है जब तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं होगी। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है फ़्लाइट डे बाय डे जो है सस्पेंड कर दी जाती हैं, कभी आप दोस्तों को जो है डेट मिल जाती है और कभी इनको जो है फर्दर नोटिस तक जो है बैन कर दिया जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि आप दोस्तों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो आपकी कंपनी जो है आपका वीज़ा एक्सटेंड कर सकती है और आप जो है यूएई में एंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि आप दोस्तों तक ये सारी डिटेल चली जाए। फ़्लाइट्स की अपडेट के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि डे बाई डे जो है डेट मिलती रहती है, कभी जो है अगस्त 2 तक चली जाती है और कभी अगस्त 7 तक चली जाती है और कभी जो है फर्दर नोटिस तक चली जाती है। लेकिन जब तक बिल्कुल कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती या दोस्त कोई आ नहीं जाता, उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। और जब तक कोरोना वायरस के केसेस भी थोड़े कम नहीं हो जाते, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये फ़्लाइट्स हैं इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो जाएंगी तो आप जो है यूएई में एंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, स्पेशली उन पाकिस्तानियों के लिए जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, तो उन दोस्तों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो यूएई में एंटर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।